नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल टॉपिक स्टडी पे, यानी अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। अभी हम लोगों ने धुआंधार बैटिंग करी है कि इसमें केवल साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे, और अभी कहा भी कि बच्चों कहीं जाना नहीं है, और अभी से अपने साथ 7 से लेकर 8 PM यानी 1 घंटे की लगातार मैराथन क्लास करेंगे आज। और बता दूं कि आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर बैठना। मैं चाहूंगा कि आज अपन रिहर्सल कर ही ले कि कितने क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि आप तैयारी भी बहुत दिन से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस सर अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन किया और तैयारी करना शुरू किया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके जवाब चाहिए, किस फॉर्म में, कि आपके कितने मार्क्स आए, यानी कितने क्वेश्चन आपने सही करा, कितने क्वेश्चन स्किप किया है, और कितने आपने निगेटिव अटेम्प्ट लिया है। इससे पता क्या होगा कि एक पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं। आई बात समझ में? तो जल्दी से लिंक को शेयर करो, और जितने सारे दोस्त थे अपन जुड़े थे ना, भी अप्रोक्स 700 सबको बुलाओ कि गुरुजी फिर से क्लास शुरू हुई है, बस केवल लिंक को स्विच करना था। ठीक है, चलिए। और फिर वही कहानी कि शेड्यूल को भूलना नहीं है, क्योंकि बस अब केवल और केवल आपके बाबा, जो जीएस बाबा या गुरु कह लो, या जो कहते हो जीएस गुरु कह लो, रोहित सर कह लो, केवल और केवल कहां मिलेंगे आपको, टॉपिक स्टडी पे, यानी अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। ठीक है, ये रहा शेड्यूल आपके। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है डियर, अच्छे से समझना, इसके बाद जवाब देना। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहा कि सर एक खगोलीय इकाई निम्न में से बीच के औसत दूरी है। किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य की, बृहस्पति और सूर्य की, पृथ्वी और चंद्रमा की, प्लूटो और सूर्य की। क्या होगा क्वेश्चन, जरा बताएं। बताइए, एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है? चलिए, जवाब आना शुरू हो गया। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ए, लॉक कर दें? लॉक कर दूं? सही है ना जवाब? बिल्कुल सही है, कंफर्म है। बहुत बढ़िया। यानी सर पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। अच्छा, जरा साहब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर हम खगोलीय पिंड की बात करें, खगोलीय पिंड की बात करें, तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं, खासकर हम, मैं अपने यूनिवर्स की बात करूं, यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात करेंगे, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? शनि के 82 उपग्रह, जुपिटर के 79। बहुत बड़े संतोष कुमार जी, मैं आपको बताऊंगा ही सर थ्योरी क्लास कब पढ़ाते हैं। पुष्पेंद्र चंद्र जी, थ्योरी क्लास के लिए आपको जुड़ना होगा 1:00 PM CGL के लेक्चर में। ठीक है सर, देखो यूनिवर्स के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, याद रहेगा, कॉस्मोलॉजी कहते हैं किसको? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब थोड़ी सी आपने कहा कि सर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो किसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है? नासा ने घोषणा कर दिया कि भैया अब जो सैटर्न है, इसके पास 82 सैटेलाइट है, और जुपिटर है, बेचारा गरीब हो गया, इसके पास अप्रोक्स 79 सैटेलाइट है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सैटेलाइट किसके पास है? जुपिटर के पास है, जो नाम है गैनीमिड। क्या नाम है? गैनीमिड नाम है, याद रखना, भूलना मत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर कहा, क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? द्रव्यमान और भार कम हो जाते हैं, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम होता है, केवल द्रव्यमान कम होता है, या द्रव्यमान और भार दोनों ही अपरिवर्तित रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2
नहीं, मैं नहीं कहूंगा शेयर करने, क्योंकि मेरी बात तो आप मानते ही नहीं हो, मेरी बात मानते नहीं हो, क्या पता अपने दोस्त की बात मान लो। डिमोस फिबोस, बहुत बढ़िया, मार्स की, बहुत सही। अरे यार मैंने कहा इंग्लिश में बताया, मुझे इंग्लिश करता ही नहीं आता है, मुझे खुद इंग्लिश करता ही नहीं आता है, बताओ क्या होगा। सर एक चीज समझना, कहा चंद्रमा की सतह पर क्या होगा। अच्छा ये बताओ, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, हमारे मास में कुछ चेंजेस होगा? मेरे मास में कुछ चेंजेस होगा? नहीं होगा ना सर। 1/6 यानी भार में कमी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्या होगा जवाब? दूसरा सही होगा। बहुत बढ़िया दिलीप सिंह जी, कहां थे याद कर लो, कि अब आपके गुरु जी कहां मिलेंगे? टॉपिक स्टडी पे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, मैं कहीं चला जाऊं, आप कहीं चला जाओ, आपके जो मास है वो कभी कम नहीं होंगे, जो द्रव्यमान हो है, वो कभी कम नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारी, ऐश्वर्या राय, डाना हेडन या मानुषी छिल्लर? जल्दी बताइए। चलिए जल्दी, सर पीडीएफ कहां मिलेगा? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ आपको मिल जाता है, ठीक है, मिल जाएगा। देखो कहा सर दूसरी मिस वर्ल्ड की बात करें, यार रीता फारिया पहली है 1966 में, ऐश्वर्या राय की बात करेंगे ये दूसरी है 1994 में, डायना हेडन की बात करेंगे इसके बाद, मानुषी छिल्लर भैया ये 2017 में बनी है, 2017 में बनी है, आई बात समझ में? तो 2017 में बनी है मानुषी छिल्लर। अब तक भारत से छह मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेवारी है कि 2019 में मिस वर्ल्ड कौन है, 2019 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कौन बनी है, 2019 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कौन बनी है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जल्दी जल्दी क्विक, क्या होगा? और याद रहे, जब ऐश्वर्या राय बनी थी उसी समय सुष्मिता सेन बनी मिस यूनिवर्स, जो पहली थी भारत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सर एक ग्रुप है नामा, एक ग्रुप है नामा, कहता क्या है कि नामा 11 देशों के समूह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4? टॉनी सिंह, बहुत बढ़िया। क्या होगा जरा बताओ? मिस तुंजी मिस यूनिवर्स बनी है, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब। पता है ऐसा अगर याद रखोगे ना, तो आपके सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, बिल्कुल। क्या होगा सर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, नामा 11 देशों के समूह है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। अगर हम एनएसजी की बात कर लें, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बात करें, तो भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ये बैठक कहाँ होता है? ऑलवेज होता है स्विट्जरलैंड के दाबोस में, स्विट्जरलैंड के कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के दाबोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहां की जाती है, तो दावोस में की जाती है। जो कहां पड़ता है, तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। WTO की बात करें सर, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, GATT, याद होगा 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए समझते हैं नामा क्या है। कहता है सर कि नामा 11 11 विकासशील देशों का एक समूह है, जो नेमा को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। इस समूह का 2 मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पहला, विकासशील देशों के लिए लचीलापन,
विकासशील देशों के लचीलापन का समर्थन करना और बातचीत के तहत नामा और अन्य क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करना, क्योंकि आपको पता है जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसकी स्थिति काफी खराब रहती है। भारत भी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप नहीं है। अंडर डेवलप कौन है, जिसे हम थर्ड कंट्री कहते हैं, जैसे भूटान मान लो, ये अंडर डेवलप कंट्री है। भूटान अंडर डेवलप कंट्री है। आई बात समझ में यहां तक, कोई कंफ्यूजन है? मिस वर्ल्ड एशिया सुमन राव राजस्थान, बहुत बढ़िया, पढ़ा चुके हैं डियर, पता होगा आपको। चले रिशु गिरी की बात मान लिया यार, मेरी बात मत मानो, कम से कम लिंक को शेयर तो कर दो। और सर ये जो मेंबर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि नामा में कौन कौन से सदस्य हैं, तो अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ब्राजील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, नामीबिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, ट्यूनेशिया के बोलिविया गणराज्य आदि शामिल है। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर निम्न में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ब्लू लाइट, वायलेट लाइट या सियान लाइट या ग्रीन लाइट? क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5। सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहती है डियर, वहां पे जाओगे ना, क्लिक करोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। क्या होगा? बैंगनी, बैंगनी जो प्रकाश है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगा। किसमें होगा? बैंगनी होगा, ब्लू नहीं होगा भैया। ब्लू कैसे कह रहे हो यार, और ब्लू मतलब बहुत गड़बड़ है यार। किसमें होगा? वायलेट में होगा, ब्लू नहीं होगा। देखो आप समझाते हैं यार, बहुत कंफ्यूजन है। देखो कहता है सर लाल तरंग में, लाल तरंगों में अपेक्षाकृत लंबा तरंग धैर्य है और वायलेट तरंगे बहुत कम, लगभग आधा, क्योंकि वायलेट तरंगों में जो दृश्यमान है हल्के स्पेक्ट्रम की सबसे छोटी तरंग दर्द होती है, इसीलिए इसे अधिक ऊर्जा लेते हैं। ठीक है सर, पुराने रंग में आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे सही, लेकिन जोश वही रहेगा, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर, क्वेश्चन क्या कहता है डियर समझना, कहता है क्या रात्रि दृष्टि उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, इंफ्रा लॉक कर दे सर, पीडीएफ कहां पे मिलेगा? परेशान ना हो, क्लास कर लो, पीडीएफ बता दिया जाएगा, लास्ट में बता देंगे पीडीएफ कहां मिलेगा। ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। अच्छा एक चीज बताइए कि टीवी का जो रिमोट है, टीवी का जो रिमोट है, टीवी के रिमोट में किस प्रकार के तरंगे का यूज करते हैं, टीवी के रिमोट में किस प्रकार के तरंग की उपयोग की जाती है? चलिए परेशान नहीं होना है, चलिए बताइए सर, साइंस बेसिक से पढ़ाओ डियर, परेशान ना हो। देखो बेसिक से तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन कहां पता है अपन 1 बजे बेसिक से पढ़ेंगे, इसलिए यहां परेशान मत होइए, ये मतलब रैपिड फायर है, यहां पे आइए, क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए, दैट्स इट, कहानी खत्म। जितने भी रिमोट हैं, चाहे टीवी के रिमोट की बात करें, उसमें इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है। लिफ्ट में भी यूज होता है, कौन सा? इंफ्रारेड। लिफ्ट, लिफ्ट में भी यूज होता है इंफ्रारेड। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? ओटिस ने किया है। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया है? ओटिस ने किया है, याद रखना। चलो कहता है सर कि अ नाइट विजन डिवाइस, जो रात वाली जो उपकरण होते हैं जिसे हम रात ऑप्टिकल या अवलोकन डिवाइस कहते हैं,
नाइट डिवाइस चश्मे के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्टो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो छवियों को, यानी जो इमेज है, कुल अंधेरे के निकट प्रकाश के स्तर में क्या कर देता है, दिखाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे नवजात को जन्म नहीं देता है? चलो बताओ क्वेश्चन क्या कहता है, कि कौन अंडे देता है और सीधे नवजात को जन्म नहीं देता है? इकिडना, कंगारू, शाही या वेल? चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7। लेटर को बोल्ड ना करें यार, लेटर को बोल्ड इसलिए कर दिया जाता है ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। वेल वेल वेल। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग कहते हो वेल को यार, अगर हम इसे मैमल्स कहते हैं, मैमल्स कहते हैं तो ये तो बच्चा को जन्म देगा ना यार। इकडिना, जिसे हम एंट ईटर कहते हैं, जिसे हम एंट ईटर कहते हैं, यानी इकडना पर नवजात को जन्म नहीं देता है, कौन अंडे देता है? ये क्या देती है? अंडे देता है। आई बात समझ में? यहां तक क्या होगा, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रेलवे में, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रेलवे पूछता है यार, इसका कोई मतलब जगह ही नहीं है। तो सबसे बड़ी मैमल्स की बात करें तो क्या होगा, ब्लू वेल। ब्लू वेल सबसे बड़ी मैमल्स। लेकिन अगर हम अर्थ पर बात करें, भूमि पर बात करें, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी मैमल्स अफ्रीकन हाथी, पृथ्वी पर सबसे लंबी मैमल्स क्या होगा, जिराफ। वो कहां का? तो अफ्रीकन जिराफ, याद रखना। ठीक है, देखो सर, इकडिना जिसे स्पाइनी एंट ईटर भी कहा जाता है, एक आदिम अंडोत्पन्न, अंडा लगाने वाला या अंडा देने वाला स्तनधारी है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहता है। यह एक अंडस्तजनी है, याद रहेगा सर? डेली क्लास चलेगा ना? बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल डेली क्लास चलेगा, बिल्कुल रोजाना क्लास चलेगा, परेशान नहीं होना है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हूवर डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? हूवर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? नील नदी पर, राइन नदी पर, कांगो पर या कोलोराडो पर? क्या होगा? चलिए, हूवर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? नील नदी पर, राइन पर, कांगो पर या कोलोराडो नदी पर? क्या होगा? अच्छा आप मिले हैं, बहुत बढ़िया, याद तो कम से कम रखो। चलो जल्दी बताओ। देखो संतोष कुमार जी, बीच में क्वेश्चन ना करिए, इससे क्या होगा पता है, बच्चों का ध्यान भटकेगा। जो आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। ठीक है, देखो हूवर बांध की बात करेंगे सर, ये कोलोराडो नदी पर है। कहां है? कोलोराडो नदी पर है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, मेरी बात समझना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये इक्वेटर है। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या रहता है कि सर कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार इंटर करती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार इंटर करती है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार इंटर करती है? तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर 3 कांगो नदी। ये कांगो को हम जायरे नदी भी कहते हैं, कांगो को जायरे नदी भी कहते हैं और यह मकर रेखा को दो बार इंटर करती है। आई बात समझ में? यानी अच्छा सॉरी, देखो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, यह एक ट्रिक है डियर, माली कम भूखा, यानी मकर रेखा को दो बार इंटर करेगा लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को दो बार इंटर करेगा लिम्पोपो नदी, भूमध्य रेखा को दो बार इंटर करेगा कौन, कांगो नदी या जायरे नदी, और भारत की नदी माही वो किसको देख रहे हो, कम भूका यानी माली मकर लिम्पोपो, कम यानी कर्क रेखा को माही नदी दो बार इंटर करती है। ये आपके ट्रिक्स हैं।
ये आपके ट्रिक्स हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ साधना जी आप राइट है, आप सही है, यही सही है, ठीक है, आई बात समझ में। देखो आगे सर, हूवर बांध अमेरिकी राज्यों एरिजोना और नेवादा के बीच कोलोराडो नदी पर स्थित है। अगर हम अमेरिकी राज्य की बात करें तो यूएसए में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं यूएसए में? राज्यों की संख्या 50 है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या किस राजा ने की थी? अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वासुदेव या वसुमित्र? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9? मिस सिंह, मैंने हूवर डैम बता दिया कहां है, चलो जल्दी बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9। अरे यार, अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी, जो इसका सेनापति था, जो इसका सेनापति था, और मगध पर पहला वंश जो ब्राह्मण वंश था, जो पहला वंश था जो ब्राह्मण वंश था। आई बात समझ में? यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है, किसके मदद से? तो अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य के मदद से, जिसने क्या लिखा, अर्थशास्त्र, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया दिलीप सिंह जी, 50वां वहां का अलास्का है, 50वां राज्य अलास्का है, बहुत बढ़िया। सर बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें मार दिया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है सर कि जो सांस लेने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल की गई वायु में नाइट्रोजन के लिए अक्रिय गैस का प्रतिस्थापित किया जाता है। क्वेश्चन समझना, कहता क्या है इसके बाद जवाब देना। कहा क्या कि पहले जब हम समुद्र में जाते थे गोताखोर के रूप में तो नाइट्रोजन का यूज करते थे ऑक्सीजन के साथ में, बट अब नाइट्रोजन को हटा दिया गया और नाइट्रोजन के बदले कौन सा गैस यूज किया जाएगा? नियोन है, क्रिप्टन है, ऑर्गन है, या नन ऑफ दीज है, या नन है, क्या होगा? चलो जल्दी बताओ। शुंग वंश को ब्राह्मण क्रांति, हां कह सकते हैं ना, वैसे तो कहा कि पहला ब्राह्मण वंश था ये, नन ऑर्गन। हाँ भैया देखो, कहीं भी क्लास चल रहा है जाके बता दो कि गुरुजी कहाँ है, टॉपिक स्टडी पे है, परेशान नहीं होना अब यार, मुझे पता है। देखो मैंने फिर से गूगली डाला आपको, मैंने फिर से गूगली दिया, क्या होगा जवाब इसका, क्यों होगा? अरे यार, ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिलाते हैं और यूज करते हैं गोताखोर के रूप में, गोताखोर के रूप में। कहां चक्कर में पड़ गए ऑर्गन के, कहां ऑर्गन के चक्कर में पड़ गए, नियोन के चक्कर में पड़ गए? अब बताओ, ऐसे करके गलती करके आओगे और कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, तो ये याद रखिए, ऑप्शन है ना, नन ऑप्शन दिया हुआ है ना, ठीक है। ऑर्गन कहां यूज होता है? ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, विद्युत वाले बल्ब में यूज करते हैं, ठीक है। चलो कहता है सर समझना, क्या कह रहा है, कहता है कि सर द मेन रीजन श्वास मिश्रण में हीलियम मिलाने का मुख्य कारण क्या है? पहले नाइट्रोजन मिलाया जाता था, कारण है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करना है, जिससे गैस मिश्रण को गहरे गोता लगाने पर सुरक्षित रूप से सांस लिया जा सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कहता है सर पीएच मीटर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर, विलियम हॉर्वे, सोरेनसन या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है यार, अभी आधे घंटे में 11 क्वेश्चन की ओर चले हैं, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। कोई नहीं, अगर यहां पर पीएच वैल्यू की बात करते, पीएच मान की बात करते, तो पीएच मान होता सोरेनसन साहब,
लैंड स्टीनर ने क्या किया, ब्लड ग्रुप की खोज की है। ब्लड ग्रुप की खोज की है किसने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। और विलियम हॉर्वे की बात करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे ने की है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब की बात करें तो होगा नन, यानी कोई नहीं। आप किसके साथ जाओगे, मुझे पता है आप सोरेनसन के साथ जाओगे, जबकि सोरेनसन ने पीएच वैल्यू की खोज की है, पीएच मान की खोज की है, पीएच वैल्यू की खोज की है, पीएच मान की खोज की है, चालान कर दिया सबका। देखिए किसान ठाकुर जी कह रहे हैं कुछ दिन वाला गोगले, बिल्कुल याद आ गया ना, बैकमैन। देखिए दिलीप सिंह ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग प्रयोगशाला में डेनमार्क के रसायन शास्त्री सोरेनसन ने पेश किया, और 1924 में आधुनिक पीएच को संशोधित करके विद्युत रासायनिक सेलों के संदर्भ में परिभाषाओं और मापों को समायोजित किया था। ये कहां के थे तो याद रखना, सोरेनसन डेनमार्क के थे, और पीएच मान हाइड्रोजन की क्षमता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज अ न्यूमरिक स्केल, क्या है, न्यूमरिक वैल्यू है जिसका यूज हम अम्ल, क्षारीय या न्यूट्रल विलयन को निर्दिष्ट करने के लिए करते हैं। जो क्वेश्चन था आपके अक्टूबर 1934 में अर्नोल्ड ऑर्विल बेकमैन, किसने किया, अर्नोल्ड ऑर्विल बेकमैन ने, याद रखना, फिर से कह रहे हैं कि पीएच मीटर जहां होगा वहां हम बेकमैन के साथ जाएंगे, और जहां पीएच वैल्यू की बात करेंगे हम सोरेनसन के साथ जाएंगे। तो पीएच के मापन के लिए पूर्ण रासायनिक उपकरण के लिए पहला पेटेंट दर्ज किया है, याद रखना। पहले इसे हम एसिड मीटर कहते थे, पहले इसे हम एसिड मीटर कहते थे, आज हम पीएच मीटर कहते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सर आप बहुत गूगली मारते हो, बिल्कुल, यही तो भैया हमारी यूएसपी है। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन ये दे दे कि सर पीएच मीटर का नामकरण किसने किया है, पीएच मीटर का नामकरण किसने किया है। तो पीएच मीटर का नामकरण किसने किया है डियर, हमेशा याद रखोगे, पीएच मीटर का नामकरण बेकमैन ने किया है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपका अगर विजन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आई बात समझ में। और आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बच्चों, कहीं क्लास चल रहा होगा 7 बजे, आपको पता है, तो बस बच्चों को बताओ कि बाबा कहां मिलेंगे, केवल और केवल टॉपिक स्टडी पे मिलेंगे, ठीक है, धुआंधार मचा देंगे एकदम। आपके जो एनटीपीसी है, बिल्कुल मैं ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन ना भिड़ जाए तो बस नाम बदल देना जीएस गुरु के, ठीक है, लेकिन बस बने रहना, अपना प्यार दिखाए रखना। क्वेश्चन की बात करें आगे, देखो सर कहा क्या कि निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्वेश्चन समझना अच्छे से, तुक्का मत मारना, नहीं तो पाप लगेगा तुक्का मारोगे तो। कहा क्या कि किस पादप कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, कैंबियन कोशिका या रूट हेयर्स या सह कोशिका या ट्रैकिड कोशिका, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12, चलो जल्दी बताओ। सर मैंने बताया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, चलो जल्दी बताओ। क्या होगा जवाब, ट्रैकिड कोशिका। क्वेश्चन क्या कहा कि निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। भैया केंद्रक उसी में होगा जो डेवलप करेगा, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग में केंद्रक होगा ना, ये डेवलप करता ही नहीं है यार, बेचारा मर जाता है, इसीलिए इसमें क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब मैं समझा दूं थोड़ा सा कि ट्रैकिड कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि ट्रैकिड कोशिका परिपक्व होने पर मर जाते हैं, इसीलिए कोई नाभिक नहीं होता है। बिल्कुल समझ लेना कि वैसे जो डेवलप नहीं होंगे उसमें से न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो कहता है सर कि कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, राजकोषीय नीति निर्माण या एक्सचेंज कंट्रोल या इश्यूज एक्सचेंज एंड डिस्ट्रक्शन करेंसी नोट्स या मॉनेटरी ऑथोरिटी फंक्शन, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए जल्दी बताइए, पीएच की खोज आर हिनियस ने किया था। दिलीप सिंह जी जो आपके जवाब हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा, चलो परेशान ना हो। अच्छा कोट पहनकर आया करो, चलिए धन्यवाद, मैं कल से वही करूंगा, कोट पहनकर आया करूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है।
चलिए बताइए, बताओ क्या होगा? कहा कार्य नहीं है। अरे यार फिजिकल पॉलिसी ये कौन देखेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगी, बाकी बात आरबीआई एक्सचेंज कंट्रोल करेगा ना, करेंसी नोट जारी करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा। यानी फिस्कल पॉलिसी का काम किसका है, भारत सरकार का है। तो याद रखना, मैं बार बार कहता हूं जो नहीं है वो बहुत रुलाता है, तो नोट वाला जो आंसर क्वेश्चन है वो हमेशा याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, भारत में न्यायपालिका क्या है, इंडिपेंडेंट है या सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट है, अंडर द प्रेसिडेंट है या अंडर द प्राइम मिनिस्टर है, क्या होगा? भारत में न्यायपालिका क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होगा जवाब दो। मेरा फिर से सही, बहुत बढ़िया, आज तो बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। किशन जी परेशान नहीं होना, देखो एक चीज हमेशा समझना कि हमेशा रोहित शर्मा का दिन नहीं होता है, कभी कभी विराट कोहली भी ना पहले बॉल पे आउट हो जाता है। तो भारत में न्यायपालिका आपको समझना पड़ेगा यार, ये इंडिपेंडेंट है, भारत में न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, देखो न्यायपालिका कैसा है, ये आप कुछ पिरामिड देख रहे होंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है जो दिल्ली में है, हाई कोर्ट की बात करेंगे अब 25 हो गया अमरावती लेकर आंध्र प्रदेश, और यहां लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट कह दे, लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट कह दे। यानी भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है भैया, सबसे ऊपर चढ़ा रहेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट कह दे। तो हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर किसी का डंडा नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि न्यायपालिका से जुड़े हुए कानून कौन बनाएंगे, पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का। याद करिए 280,000 सैलरी हो गया सीजेआई का, 280,000 सीजेआई की सैलरी है, कितनी सैलरी है, 280,000 सीजेआई की सैलरी है, 250,000 अदर जजेज की है। कौन डिसाइड किया, पार्लियामेंट डिसाइड किया है, कौन किया, पार्लियामेंट डिसाइड किया है, ये याद रखना, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या कहता है कि संकोष नदी किसके बीच सीमा बनाती है, झारखंड पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, क्वेश्चन नंबर 15। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34, बहुत बड़े संतोष कुमार जी, लाजवाब, पहले 31 था, 3 बढ़ा है तो अब 34 हो गया, यानी एक सीजेआई और प्लस 33, प्लस 33। चलिए चलो जल्दी बताओ क्या होगा, आर्टिकल 124, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब यार, बहुत अल्टीमेट हो यार आप लोग, मतलब जवाब सही है। अब इसकी बात करें सर, संकोष नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, यह भूटान से निकलती है। देखो आगे मैं समझा दूं थोड़ा कि संकोष नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और यह निकलती कहां है, तो संकोष की बात करें, संकोष नदी की बात करें डियर, तो यह संकोष नदी जिसे, अब देखो संकोष नदी को कई नाम से जानते हैं, कंफ्यूज मत करना, गदाधर, मोचू और स्वर्णकोश, स्वर्णकोश के नाम से जानते हैं, एक नदी है उत्तरी भूटान से निकलती है, भारत में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब याद रख लो, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि संकोष किसकी सहायक नदी है, तो संकोष ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बीएससी, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज या हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। रिशु ग्रिगर सर आप मेरे कमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहे, अरे यार मतलब आप लोग इतने अल्टीमेट हो, बट क्या कहें, मतलब कह नहीं सकते हो, धन्यवाद रिशु गिरी जी। चलो बताओ क्या होगा, हाँ मधु जी मोचू, नाम याद रखना पड़ेगा, क्या कहें।
देखो सबसे पुराना या बीएससी है, सबसे पुराना बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये भारत का ही नहीं, ये एशिया का भी सबसे पुराना है, ये एशिया का भी सबसे पुराना है। और मैं थोड़ी सी आपको दर्शन कराऊं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में दलाल स्ट्रीट एक एड्रेस है, इसका दलाल स्ट्रीट एड्रेस है वहीं पे है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएससी के रूप में जाना जाता है एशिया में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो याद रखना, रेलवे वाले पेपर में फैक्चुअल बहुत पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही, फैक्चुअल रहेगा, फैक्चुअल में क्लीन बोल्ड मत होना। 1875 याद रखना बीएससी, ठीक है। अब देखो सर, एट प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान समय में 30 मई 2019 तक भारत में अब तक कुल 25 स्टॉक एक्सचेंज थे, जिसमें से केवल 6 एक्सचेंज वर्तमान में कार्यरत है, वर्तमान में 6 कार्यरत है। तो बाजार जो अधिनियम है, बाजार से रिलेटेड काम कौन देखता है, सेबी। इरिडा की बात करेंगे तो इरिडा क्या करेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बीमा से संबंधित नियम कानून कौन बनाएगा, इरिडा बनाएगा। तो याद रखना, ये गलती मत करना, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या कहें, हलवा वाली क्वेश्चन है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। इसे मतलब कह दे कि बच्चे जितना बार पढ़ा चुका हूं आपको कह नहीं सकते हो। यार दो बार लाइक क्यों कर दिया, डिसलाइक हो जाएगा, लाइक मत दो बार मत कर देना, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक। देखो सर, अनुच्छेद 80 जो है वो हमारा फाइनेंस कमीशन की बात करता है, 213 की बात करें तो ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं गवर्नर, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, 123 की बात करें यहां राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, 343 की बात करें तो हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी राज्य भाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा नहीं, अनुच्छेद नंबर 343, आर्टिकल नंबर 343 याद रहेगा। चलो जरा बताओ, 15वें जो वित्त आयोग है, एनके सिंह अध्यक्ष है, एनके सिंह अध्यक्ष है, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी साहब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में कि कोई कंफ्यूजन है। यार कहां बफरिंग हो रहा है, अपने अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लो एक बार। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बांग्ला पुस्तक अग्निवीणा लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, क्या होगा। जल्दी बताओ, 1100 नहीं चाहिए, जितना अपन लगता था ना 3000 प्लस, वही 3000 प्लस चाहिए। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो आपके दोस्त यार मित्र भटक गए हैं कहीं और, उन्हें बताना है कि बाबा आप कहाँ मिलेंगे, केवल और केवल टॉपिक स्टडी पे मिलेंगे, ठीक है। बस केवल आप रिवील कर दो, बच्चे खुद आ जाएंगे, बस केवल जानकारी नहीं है कि बच्चे कहाँ, ठीक है। बताओ क्या होगा। देखो सर, अग्निवीणा जो लिखी गई है 1992 में, किसके द्वारा, तो काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की बात करेंगे तो आनंद मठ लिखा गया, शरत चंद चट्टोपाध्याय की बात करेंगे तो मूवी आई थी देवदास, पता है किसने लिखा, तो शरत चंद चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें सर, 1913 में इन्हें नोबेल मिला है साहित्य का, किसके लिए, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए, किसके लिए, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को। आगे देखो, नजरुल की कविताओं की पहली किताब अग्निवीणा अक्टूबर 1922 में छपी थी, अक्टूबर 1922 में छपी थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए सर, कहता क्या है, क्वेश्चन समझना अच्छे से, इसके बाद जवाब देना डियर। कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल एसेंशियल है, जल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। वी वांट राइट आंसर नाउ, हमें सही जवाब चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19। चलो जल्दी सर, पीडीएफ में आंसर दीजिए प्लीज।
हसीम जी पीडीएफ में आंसर मिल गया डियर, इसमें भी पीडीएफ में आंसर लगा कर दिया जाएंगे, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला बहुत बढ़िया। तीन और चार में गड़बड़ है आपके, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, कोई जरूरत नहीं है। अरे यार ऑक्सीजन क्या करेगा वो तो छोड़ेगा, रिलीज करेगा ना, वो रिलीज करेगा, इसे CO2 चाहिए। अगर ऑक्सीजन के बदले CO2 होता तो आप कहते, तो आप कहते यानी क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, देखो कहता है सर प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से मिलेगा, वायु से मिल जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 0.03% है। और प्रकाश संश्लेषण कहां से मिलेगा, सूरज से मिल जाएगा। और वाटर कहां से मिलेगा, जमीन से मिलेगा, हो गया फोटोसिंथेसिस का काम बन गया, फोटोसिंथेसिस का काम बन गया ना, समझ गया अरुण कुमार जी, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक कौन है, राज्य का मुखिया, मंत्री परिषद, विधान परिषद या न्यायपालिका। चलिए, और ये बिल्कुल मैं श्योर कह, मैं पक्का बता रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल जितने सारे बच्चे जुड़े हैं गलती होने वाला है, गलत होने वाला है, अग्नि वाला, अग्निवीणा वाला क्वेश्चन राजस्थान दूसरा। अच्छा बच्चों एक चीज और करना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना वो क्वेश्चन क्या है, मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। देखो सर एक चीज समझना, संसदीय प्रणाली की बात किया, वास्तविक कार्यपालक कौन है, अगर यहां पर प्रधानमंत्री होता तो ये होता, प्रधानमंत्री नहीं है तो क्या होगा, मंत्री परिषद। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे राज्य का मुखिया, कतई नहीं, राज्य का मुखिया होगा तब जब यहां पर वास्तविक नहीं होता, तब होता संसदीय प्रणाली में कार्यपालक राज्य का मुखिया। लेकिन ट्रू एग्जीक्यूटिव की बात किया, रियल एग्जीक्यूटिव की बात किया, तब हम बात करेंगे कैबिनेट की, कैबिनेट कौन होता है, प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं, याद रखना, गलती मत कर बैठना, याद रखना, गलती मत कर बैठना, यही सब क्वेश्चन गलती करते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, कोहाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में है, कोहाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, जल्दी, क्वेश्चन नंबर 21 बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, भैया वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सर जुडिशरी लेजिस्लेटिव काउंसिल समझ में नहीं आता है, उत्तम जी एक काम करिएगा, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना किसी दिन अच्छे से समझा दूंगा, परेशान मत हो, या आप एक काम करना कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखो सर कोहाला जल विद्युत परियोजना कहां है, ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में कहां, पीओके में, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद, वहीं पे है, कहां पे है, मुजफ्फराबाद में है, यानी कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट मुजफ्फराबाद जिले के पास झेलम नदी पर स्थित है। हो सकता है आपको रिवर पूछ दे तो आपको बताना पड़ेगा कि झेलम नदी पर लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, 1172, 1175, 1191 या 1192, क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी। अच्छा ये बताओ, अपन अभी देखो 1100 प्लस है यार, 1100 प्लस है, और लाइक कितने दिख रहे हैं, 803। मैं कहता हूं ना अपनी क्लास में कि डिसलाइक बिल्कुल आपका ये अधिकार है, रीजन बता देना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार। बताओ क्या होगा, कब आक्रमण किया गया था, 1175 में मुल्तान, जो आज पाकिस्तान का भाग है, 1175 में मुल्तान में पहली बार मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, ये तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी ने हारा, किसके किसके जरिए, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है।
तो सर मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कब किया? 1175 में मुल्तान पर किया और 1178 में गुजरात में किया था, गुजरात में किया था। आगे देखो सर, जल किस ताप पर ठोस और तरल अवस्था में मौजूद रहता है? 100 डिग्री, 50 डिग्री, 4 डिग्री या 0 डिग्री, क्या होगा? गलत हो गया, कितनी बार पढ़ाया है यार आपको बताओ, कितनी बार पढ़ाया है फिर भी गलत कर बैठे हो। अब ऐसे ही क्वेश्चंस गलत कर बैठोगे? अरुण कुमारी कुछ नहीं, आपका प्यार देखते ना एनर्जी मिल जाता है हमें। देखो सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे जल ठोस और तरल अवस्था में मौजूद रहता है। यानी बात करें सर कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वह तापमान होता है जहां बर्फ पानी में पिघल जाता है और बर्फ पानी बर्फ में जम जाता है। यानी ठीक 0 डिग्री पर ये दोनों प्रतिक्रियाएं अभिक्रियाएं हो रही है, इसलिए जल तकनीकी रूप से ठोस पानी यानी बर्फ और तरल पानी दोनों मौजूद होता है। ठीक है, याद रहेगा। 4 डिग्री तो मैक्सिमम हो गया भैया, आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हसन निजामी और फकरे मुदब्बिर किस मामलुक सल्तनत के शासनकाल के दौरान दरबारी कवि थे, क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा। मेरा सही है, बहुत बढ़िया सनी गुप्ता जी, धन्यवाद, थैंक यू। देखो एक चीज समझना सर, हसन निजामी की बात करें और फकर मुदब्बिर की बात करें तो मामलुक सल्तनत के शासनकाल यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था 1206 से लेकर 1210 में, यानी इस कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे ये। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि। इल्तुतमिश की बात करेंगे, रियल फाउंडर किसके? गुलाम वंश के। और बलबन की बात करेंगे तो भैया बलबन जो राजत्व सिद्धांत को अपनाया और रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, भारत की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र पहली महिला मुस्लिम शासिका रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, राजस्थान, पंजाब, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, तो सर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां है? राजस्थान में है। स्टैटिक जीके तो है यार, और क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व है जो भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में है। कहां है? अलवर जिले में स्थित है, यह याद रखना, बहुत ज्यादा डेप्थ अगर पूछा जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 26, डचों द्वारा पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? सूरत, मसूलीपट्टनम, नागपट्टिनम या पुलिकट? क्वेश्चन नंबर 26, अभी तो सर क्लास की शुरुआत हुई है, रात हुई है, बताओ क्वेश्चन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमें लग रहा है ना, बच्चे सोच रहे हैं सर पहली बार आप पढ़ा रहे हो ऐसे क्वेश्चन। देखो हलवा वाली क्वेश्चन आता है ना, हलवा वाली, बिल्कुल आप राजस्थान खुश हो गए सारे बच्चे। रणथंभौर, सरिस्का, बहुत बढ़िया यार। एम भी खत्म हो गई, डेटा रिचार्ज करो यार, आप क्या कहें बताओ। बताओ क्या होगा इसका। सर डचों द्वारा पहला कारखाना मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत जो आज आंध्र प्रदेश में है, जो आज आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में और अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1613 ईस्वी में स्थापना किया गया था, 1613 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और यही नागापट्टिनम जो तमिलनाडु में है 2005 में सुनामी आया था, याद रखना। 1600 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बनाई गई और इसकी पहली अस्थाई व्यापारिक पोस्ट इंडोनेशिया में थी। लेकिन भारत की बात करेंगे तो 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा दक्षिण भारत कहां पर ही। और पुलिकट की बात करेंगे, उड़ीसा में। पुलिकट कहां है? उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से एक को प्रतिमुद्रक हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एड्रेनलिन या कैल्सिटोनिन, क्या होगा? जल्दी बताओ। सर क्या आप अनअकैडमी में पढ़ाते हैं? दीपक शाह जी मिलेंगे बहुत जल्द,
परेशान नहीं होना है, पहले यहां जलवा देख लें अपन, नहीं मिलेंगे अन अकेडमी में जरूर। जल्दी बताओ जल्दी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा डियर जल्दी। वैसोप्रेसिन एक प्रतिमूत्रक हार्मोन के रूप में जानते हैं वैसोप्रेसिन को, ठीक है आगे देखिए। सर वैसोप्रेसिन एक एंटी मूत्रवर्धक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां स्थित है, झांसी सहारनपुर लखनऊ वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा पुलिकट तमिलनाडु, नहीं तमिलनाडु नहीं पुलिकट आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नहीं, माय मिस्टेक परेशान नहीं होना मधुजी, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नहीं, मैं बढ़िया हूं भैया इसका जवाब दे दो। सर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां है, लखनऊ में है, कहां है लखनऊ में है, और लखनऊ में पता क्या है एक विष अनुसंधान संस्थान है, विष अनुसंधान संस्थान भी कहां है लखनऊ में है, याद रहेगा लखनऊ में है, ठीक है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है तमिलनाडु में नहीं। आगे देखो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ 1972 में स्थापना की गई थी, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से कौन सा एक जहरीला सांप नहीं है, कोबरा वाइपर पाइथन या करायत, क्या होगा जल्दी बताओ। अब यह बताओ क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें सर, पाइथन क्या है जहरीला सांप नहीं है, ये अजगर के खानदान का कहते हैं ज्यादा बढ़िया, नहीं कोबरा वाइपर क्रैत ये सब के सब जहरीला सांप है। क्वेश्चन नंबर 30 रबर किसका उत्पाद है, फाइबर लेटेक्स गोंद या रेजिन, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30। और ये बताओ यार 1200 अपन होने वाले हैं, लाइक्स कौन बढ़ाएगा यार, मैं तो पहले से ही लाइक करके आता हूं, मैं तो पहले से ही लाइक करके आता हूं कि बच्चों को लाइक कर दूं। बताओ क्या होगा कि रबर किसका उत्पाद है, लेटेक्स का उत्पाद है, किसका उत्पाद है लेटेक्स का उत्पाद है। प्राकृतिक रबर एक दूधिया सफेद तरल पदार्थ से बना होता है, इसे लेटेक्स कहा जाता है, जो कुछ पौधों से निकलता है जब हम उन्हें काटते हैं चीरते हैं, ठीक है। चलिए आज की आपके अंतिम क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, किसके अनुमान लगाते हैं, सॉइल मोन्यूमेंट्स फॉसिल्स या रॉक्स। पता है कुछ लोग ना डिसलाइक वाले होते हैं, देखेंगे जरूर लेकिन पक्का डिसलाइक करके जाएंगे, अरे जाओ मतलब बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन यार रीजन तो बता दिया करो भैया, क्यों ना क्या नाराज किए यार। रेडियो कार्बन डेटिंग सर याद करिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, हम कैसे निकाल लिए, कैसे जान गए, फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अनुमान लगाया कार्बन डेटिंग के जरिए। सॉइल की बात करें सर पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, और चट्टान के अध्ययन को ओरोलॉजी, चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं, याद रहेगा। इंग्लिश में पूरा नहीं देखा, गड़बड़ तो यही है इसलिए कहते हैं पूरा देख लिया करो। और याद रखो अभी आपको दिखेंगे आसमान वाले सर समझ रहे हो ना, आकाश सर मैथ की लेक्चर है, और मैं बार बार कहता हूं कि भैया कि बिना मैथ सब सुन, चाहे वो रेलवे हो एसएससी हो जो भी हो, तो कोशिश करिए कि मैथ को समझने का। और ऐसे भी यार बड़े लाजवाब पढ़ाते हैं, मैं खुद उनका सेशन देखता रहता हूं, क्योंकि ना एप्टीट्यूड में यूपीएससी में एप्टीट्यूड में कुछ ना कुछ मैथ आता रहता है, ठीक है। तो बस परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, देखो मैथ वाले सर आपके हस्त्र में बुला ही लूं, आ जाओ सर बच्चे वेट कर रहे हैं आपका, देखो अभी आ रहे हैं आपके प्यारे दुलारे आकाश सर। मिलिए तो, गुड इवनिंग गाइस, तो चलो बहुत अच्छा लग रहा है भाई बाबा को देखकर, ठीक है। बहुत लंबे समय से इतनी ही स्ट्रेंथ का वेट चल रहा था कि भाई इतने सारे लोग जो खो गए थे भटक गए थे कि भाई कहाँ पर मिलेंगे कैसे होंगे दर्शन बाबा के, तो आज बाबा के दर्शन आप लोगों को लंबे समय से चली रहे हैं यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1200 प्लस कर ही दिया है, 1300 अप्रोक्सिमेट सर बच्चों को पता है 3000 प्लस आते थे हम लोग, 3500 प्लस रहते थे, तो यार वही स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। सारी की सारी जो चीजें मिलेंगी ना वो टॉपिक स्टडी पर ही मिलेंगी आप लोगों को, तो टॉपिक स्टडी पर ही बने रहना है भाई,
सेशन कैसा लगा वो कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्लास है ना वो मैथ की रहने वाली है, नेक्स्ट क्लास मैथ की रहने वाली है। सेशन कैसा लगा है कमेंट्स में बताना है, और सारी जगह पर ये चीज शेयर कर दो कि आकाश सर और आपके बाबा कहां पर आ गए, टॉपिक स्टडी पर आ गए, है ना। बाबा की जय। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और एक चीज, एक चीज मैं सर रोकना चाहूंगा, एक चीज समझना। मैं कहता हूँ सर आप तैयारी करते हो ना SSC रेलवे बैंक, तो अभी अपन रेलवे क्लास करेंगे, मैथ के क्वेश्चन ढूंढ के लाओ और कमेंट बॉक्स में डाल दो क्लास खत्म होने के बाद। मैं चाहता हूँ यार ये बंदा बैठा ही ना रहे सर, ये सर बैठे ही ना रहे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालो मजा आ जाएगा। बिल्कुल आपका सिलेक्शन के लिए हम लोग सर डटे हुए लगातार दिन रात एक किए हुए हैं, और फिर मिलेंगे आपसे हम रात के 11 बजे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा गाइज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सेशन कर लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। शेयर जरूर कर देना यार सब जगह, पहले पता चल जाना चाहिए कि बाबा और आकाश सर कहाँ आ गए, टॉपिक स्टडी पर आ गए यार। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिएगा सारी जगह, आपको पता है कहाँ शेयर करना है ना। कल हो जाएंगे 3000 सर, अच्छा 3000 प्लस होने ही चाहिए यार। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम क्लियर कराने की गारंटी हम लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो चलिए फिर आपकी क्लास है सर, क्लास है अब, नेक्स्ट क्लास हमारी अभी, चलो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू।